फॉर्मेटिंग के सेक्शन में जी हम सबसे पहले फॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो है उसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमारी होम टैब के बिल्कुल नीचे फॉन्ट का एक सेक्शन अवेलेबल है जिसमें हमारे पास काफ़ी फीचर्स और फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो हम अपने डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास इधर एक लिस्ट है पूरी फॉन्ट्स के अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के लिए। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन अवेलेबल है इधर, फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन अवेलेबल है, मुख्तलिफ स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट्स के लिए अपने, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फिल कलर का ऑप्शन अवेलेबल है और फॉन्ट कलर का ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह आपके पास ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी है इस सेक्शन में, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद कुछ फीचर्स जो हैं फॉन्ट्स रेलेवेंट वो आ जाएंगे। अब हम कुछ फीचर्स यूज़ करके देखते हैं जी फॉन्ट के सेक्शन के। सपोज़ मुझे अपने कॉलम ए में मेरे पास जो डेटा है उसके फॉन्ट को चेंज करना है। मेरे पास जो फ़िलहाल फॉन्ट नज़र आ रहा है मुझे अपने फॉन्ट सेक्शन में वो कैलिब्री है, और यही डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है जो आपको किसी भी एक्सेल शीट में जब आप उसे ओपन करेंगे तो नज़र आएगा। और इसी तरह आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉन्ट साइज़ वो 11 नज़र आएगा। अब मैं कॉलम ए के डेटा का जो है फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कॉलम ए का जो डेटा, जिस डेटा का फॉन्ट चेंज करना है उसे सिलेक्ट किया और इधर से ये जो फॉन्ट्स की लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है इस पर क्लिक किया तो मेरे पास जी काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट्स ओपन हो गए। इनमें से जो फॉन्ट मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं उसे क्लिक करूँगा। सपोज़ मैं एरियल यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने इसे क्लिक किया तो मेरा फॉन्ट जो है वो कैलिब्री से एरियल में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है फॉन्ट साइज़ का। मैंने ये फॉन्ट साइज़ का जो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है उसमें एरो पे क्लिक किया और इधर से जी मैंने इसे 11 से इंक्रीज़ करके 14 कर दिया अपने फॉन्ट साइज़ को। मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, इस डेटा का फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास ये तीन बटन्स अवेलेबल हैं, बोल्ड कर सकता हूँ जी मैं, इटैलिक कर सकता हूँ और अंडरलाइन कर सकता हूँ। अगर मैंने बोल्ड करना है इसे तो मैं इसे सिलेक्ट करके, डेटा को ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आपने किसी भी डेटा को जो है उसके फॉन्ट को चेंज करना है या स्टाइल उसके चेंज करना है तो आपको पहले वो डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले से इसे सेलेक्ट किया हुआ है, मैं बोल्ड का बटन क्लिक करता हूँ तो जी ये जो फॉन्ट है मेरे पास बोल्ड हो गया इधर। इसके बाद अगर मैं इसे इटैलिक कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये इटैलिक कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसे इस डेटा को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, मेरे पास जो इन सेल्स में डेटा अवेलेबल है उनको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये अंडरलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन के बटन के साथ आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको क्लिक करें तो आपके पास दो चॉइसेस आ जाती हैं, आप सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने डेटा को और डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं जी। इसके अलावा जी हमारे पास फिल कलर का जो फीचर है वो अवेलेबल है। फिल कलर का फीचर क्या है जी, ये बेसिकली आपके जो सेल्स हैं उनके कलर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने अपने कुछ सेल्स को इधर, जिन सेल्स में मैंने मंथ मेंशन किए हुए हैं और ये टोटल और एवरेज का सेल जो है इसका कलर मैंने चेंज किया हुआ है, बाकी सेल्स जो हैं उनमें कोई कलर नज़र नहीं आ रहा मुझे एक्सेल शीट में और ये सेल्स जो हैं मेरे कलर्ड हैं, वो फीचर मैंने इधर से ही यूज़ किया था जी। अब मैं सपोज़ जो सेल्स की फ़िगर्स हैं मेरी, इनके सेल्स को कोई कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा सेल्स की फ़िगर को और उसके बाद मैं फिल कलर का ऑप्शन यूज़ करूँगा। मैं एरो पे क्लिक करूँगा, मेरे पास काफ़ी चॉइसेस आ गई, डिफरेंट कलर्स आ गए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने सेल्स के लिए। सपोज़ मैं ग्रीन कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने क्लिक किया जी तो ये मेरे सेल्स जो हैं वो ग्रीन हो गए सारे। इसके अलावा आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आपको जिस डेटा का आपने कलर चेंज करना है उसे सेलेक्ट करेंगे आप। सपोज़ मैं एक्सपेंसेस की जो फिगर्स हैं इनका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इन्हें सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास जी फॉन्ट कलर का जो बटन अवेलेबल है फिल कलर के बटन के बिल्कुल साथ। मैंने इसे क्लिक किया और मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स आ गए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया जी। सपोज़ मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया और ये मेरा जी फॉन्ट कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर आप फिल कलर के बटन पे या फॉन्ट कलर के बटन पे क्लिक करें तो आपको जहाँ काफ़ी ज़्यादा कलर्स नज़र आ रहे हैं उसके नीचे आपको एक मोर कलर्स का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें आप कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप कलर्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा जहाँ से आप कलर्स को कस्टमाइज़ करके अपना फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जी। इसके अलावा आपको इस सेक्शन में
एक जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर नज़र आ रहा है, जिसके जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉन्ट्स रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो और आ जाते हैं। आपके पास इधर फॉन्ट्स की लिस्ट भी आ रही है, फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं। इधर जी देखें, हमारे पास जो सेक्शन था उसमें सिर्फ आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन था, इधर हमारे पास बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन भी है। हम एक ही साथ इकट्ठा ही बोल्ड और इटैलिक जो है प्रेस करके अपने फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ का सेक्शन है, इधर हमारे पास कलर्स का सेक्शन है, उसके अलावा कुछ इफेक्ट्स का जो है सेक्शन है हमारे पास। अपने फॉन्ट्स को डिफरेंट इफेक्ट्स हम देख सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट है, सुपर स्क्रिप्ट का इफेक्ट है, सब स्क्रिप्ट का इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं आपके पास जो आप अपने फॉन्ट्स को दे सकते हैं जी। तो ये थे जी एक्सेल में फॉन्ट से रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स और ऑप्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं।